इसके बारे में, सदिश और अदिश राशि के बारे में एकदम गौर से सुनिएगा। पूरा कंटेंट को अपडेट कर दिए हैं, पूरा कंटेंट को सदिश और अदिश राशि बहुत का क्वेश्चन भी जोड़ दिए हैं। जो पहलका वाला असाइनमेंट था उसे बहुत क्वेश्चन जरूर दिए हैं। तो सदिश और अदिश राशि की चर्चा हम लोग करेंगे। सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर। और अदिश को क्या कहते हैं? स्केलर। सदिश राशि वह राशि होता है जिसमें निश्चित दिशा होता है, और अदिश राशि वह राशि होता है जिसमें निश्चित दिशा नहीं होता है। तो जिसमें निश्चित दिशा होता है उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि, और जिसमें निश्चित दिशा नहीं होता है ओकरा हम लोग कहते हैं अदिश राशि। जैसे हमने सबसे पहला बात यह समझाया था कि दूरी और एक होता है विस्थापन, दूरी और एक होता है विस्थापन। विस्थापन दूरी को हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और विस्थापन को हम लोग इंग्लिश में डिसप्लेसमेंट कहते हैं, डिसप्लेसमेंट कहते हैं। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। और एक हम लोग को समझना पड़ता है चाल के बारे में, बहुत का चीज़ समझना सब समझाते हैं चाल के बारे में, और एक समझना पड़ता है वेलोसिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वेग। हिंदी में क्या कहते हैं? वेग। अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, जितना भी लंबाई चलेगा, अरे भाई जितना भी लंबाई चलेगा सबके सब डिस्टेंस होगा, सबके सब दूरी होगा, लेकिन जो सबसे छोटका दूरी होगा, जो मिनिमम, जो सबसे छोटका स्मॉलेस्ट कर, इसको स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, जो सबसे छोटका दूरी होगा उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ से निकला और घूमते 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 यहाँ पहुँच गया, तो जितना भी लंबाई चला है, ये जितना भी लंबाई चला है ये सब के सब हो गया दूरी। मतलब जो वास्तव में लंबाई होता है, जो वास्तविक लंबाई होता है, जो वास्तविक लंबाई होता है इसी को हम लोग कहते हैं दूरी। जो वास्तविक लंबाई होता है इसी को हम लोग कहते हैं दूरी। लेकिन प्रारंभिक बिंदु, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में डिसप्लेसमेंट कहते हैं। तो मेरे भाई फिर से गौर सुनिएगा कि जितना भी लंबाई चलेगा, जितना भी लंबाई चलेगा सबके सब दूरी, और सबसे छोटका दूरी हम क्या करें? दूरी करें कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी, मतलब विस्थापन भी क्या है? दूरी है। विस्थापन भी क्या है? दूरी है। सबसे छोटका दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी, मतलब विस्थापन भी क्या है? दूरी है। विस्थापन भी क्या है? दूरी है। मतलब विस्थापन कोई और चीज नहीं है, विस्थापन भी दूरी है, लेकिन विस्थापन हमेशा हमेशा सबसे छोटका दूरी होगा। जो सबसे छोटका दूरी होगा ना ओकरे विस्थापन कहते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि जितना भी वास्तविक लंबाई चलेगा, जितना भी वास्तविक लंबाई चलेगा, तो कब उत्तर की तरफ जा रहा है, कब पूरब जा रहा है, कब उत्तर, कब दक्षिण, कब मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कर रहा है, तो दिशा तो है। अरे इसमें भी दिशा है कि उत्तर गया, दक्षिण गया, फिर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया, फिर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया, फिर पूरब गया, फिर पश्चिम गया, फिर पूरब गया, फिर पश्चिम गया, कब उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम। इसका मतलब दिशा तो है लेकिन निश्चित दिशा नहीं है। मेरे भाई निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित दिशा है कि डायरेक्ट यहां से यहां जाना है, डायरेक्ट यहां से यहां जाना है। तो इसमें निश्चित दिशा है लेकिन इसमें निश्चित दिशा नहीं है। तो जिसमें निश्चित दिशा होगा उसको कहते हैं सदिश राशि, और जिसमें निश्चित दिशा नहीं होगा ओकरा हम लोग कहते हैं अदिश राशि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सदिश राशि कौन सा होता है, क्या सदिश राशि क्या है, क्वेश्चन में दे देगा सदिश राशि क्या है, और ऑप्शन में दे देगा क्या कि जिसमें 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 दिशा हो, जिसमें जिसमें दिशा हो, या इसको यहाँ पे हम कह देते हैं अदिश राशि। अब क्वेश्चन में दे दिया अदिश राशि, अदिश राशि क्या है,
और क्वेश्चन में क्या दे दिया कि जिसमें दिशा नहीं होता है और जिसमें निश्चित दिशा नहीं होता है, जिसमें दिशा होता है और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को ऑप्शन क्या चुनना है कि जिसमें निश्चित दिशा नहीं होता है। अरे कैसे कह सकते कि निश्चित दिशा नहीं हो सकता है, तो दिशा तो है, कब उत्तर जा रहा है, अरे कब दक्षिण जा रहा है, कब उत्तर कब दक्षिण, कब उत्तर कब दक्षिण, कब पूरा कब पश्चिम, अरे जा तो रहा है, दिशा में जा रहा है लेकिन निश्चित दिशा में नहीं जा रहा है। अरे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, अरे मेरे भाई निश्चित दिशा नहीं है, जिस कारण से हम लोग दूरी को, अरे हम लोग दूरी को जितना भी लंबाई है ना, जितना भी लंबाई है इस लंबाई को कहेंगे दूरी, और दूरी क्या हो जाएगा अदिश, अरे दूरी क्या हो जाएगा अदिश। लेकिन आप खुद सोचिए कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी, सबसे छोटका दूरी, तो सबसे छोटका दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन भी क्या है, दूरी है, लेकिन विस्थापन में निश्चित दिशा है, कैसे, अगर हम यहां से यहां जाए तो सीधा सीधा जाएंगे, या यहां से यहां जाए तो सीधा सीधा जाएंगे, लेकिन इसमें निश्चित दिशा है मेरे भाई। अरे निश्चित दिशा हो गया, निश्चित दिशा हो गया, जब निश्चित दिशा हो गया तो हो गया सदिश राशि, जिसमें निश्चित दिशा नहीं है से अदिश राशि। अब कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट किया है और चलते 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 यहां पे पहुंच गया, तो जितना भी लंबाई चला, अरे जितना भी लंबाई चला, जितना भी लंबाई चला, यह सब के सब कहलाएगा डिस्टेंस, यह सब के सब कहलाएगा दूरी, और जितना भी वास्तविक लंबाई होता है उसको हम लोग दूरी कहते हैं, अरे उसको हम लोग दूरी कहते हैं, और दूरी में निश्चित दिशा नहीं होता है, दिशा तो होता है। अरे कहना बहुत गलत है कि दिशा नहीं होता है, सदिश राशि में दिशा होता है और अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, कहना बहुत गलत है। सीधे क्या कहिए कि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा भी होता है और अदिश राशि में परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा नहीं होता है। तो डायरेक्ट कोई कहता है कि अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, कहना बहुत गलत है, डायरेक्ट कहना पड़ेगा कि निश्चित दिशा नहीं होता, क्योंकि जितना भी लंबाई चलता है, ये जितना भी लंबाई चलता है, ये सब के सब लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन सबसे छोटका दूरी होता है, जो सबसे छोटका दूरी होता है उस सबसे छोटका दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अरे सबसे छोटका दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, लेकिन इसमें निश्चित दिशा है, विस्थापन में निश्चित दिशा है लेकिन दूरी में निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए दूरी क्या हो जाएगा अदिश और विस्थापन क्या हो जाएगा सदिश, दूरी क्या हो जाएगा अदिश और विस्थापन क्या हो जाएगा सदिश। उसके बाद गौर से सुनिएगा, हमने यहां से स्टार्ट किया और चलते 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 फिर यहीं पर पहुंच गया, अरे यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच गया, तो जितना भी लंबाई चला मेरे भाई, अरे जितना भी लंबाई चला, यह सब के सब दूरी कहलाएगा, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी क्या कहलाएगा, तो क्या इसमें निश्चित दिशा नहीं है, है डायरेक्ट सीधा सीधा है, तो इसमें निश्चित दिशा है लेकिन इसमें निश्चित दिशा नहीं है, तो जितना भी लंबाई चलेगा से क्या कहलाएगा डिस्टेंस यानी कि दूरी कहलाएगा, अरे जितना भी लंबाई चलेगा से क्या कहलाएगा डिस्टेंस यानी कि दूरी कहलाएगा, सबसे छोटका दूरी क्या कहलाता है विस्थापन, एकरा मतलब विस्थापन भी क्या है दूरी, अरे विस्थापन भी क्या है दूरी, विस्थापन भी क्या है दूरी, लेकिन दूरी क्या है, तो जितना भी वास्तविक लंबाई चलेगा सबके सब दूरी कहलाएगा, तो दूरी में विस्थापन में अंतर समझ में आया। अब हमने यहां से स्टार्ट करते 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 फिर यहीं पे पहुंच गया, अरे हमने यहां से स्टार्ट करते 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 फिर यहीं पे पहुंच गया, तो जितना भी चला है सब के सब कहलाएगा दूरी, और क्या कहता है कि जितना भी लंबाई चलेगा वह सब के सब दूरी होगा, जितना भी लंबाई चलेगा वह सब के सब दूरी होगा, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी विस्थापन कहलाता है। मेरे भाई इसमें सबसे छोटका दूरी बचबे नहीं किया, अरे जहां से चला फिर वहीं पे पहुंच गया, क्या सबसे छोटका दूरी बचा नहीं, जब सबसे छोटका दूरी नहीं बचा एकरा मतलब विस्थापन क्या हो गया जीरो, लेकिन जितना भी चला है से दूरी है लेकिन विस्थापन क्या हो गया जीरो, विस्थापन क्या हो गया जीरो। अब थोड़ा सा गौर से सुनिए मेरे भाई, उसके बाद हमने ये समझाया कि मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, अरे वो आदमी यहाँ से चला और फिर यहाँ पे पहुँच गया, अरे यहाँ से चल के फिर यहाँ पे पहुँच गया, तो खुद सोच के देखिए
ये जितना भी लंबाई है, ये जितना भी लंबाई है, ये जितना भी लंबाई है, सब के सब दूरी कहलाएगा। अरे ये तो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी, मतलब जो दूरी है वही विस्थापन है। अरे जो दूरी है वही विस्थापन है, मतलब दूरी और विस्थापन आपस में बराबर भी हो सकता है। अरे दूरी और विस्थापन आपस में बराबर भी हो सकता है। अरे विस्थापन है तो है क्या दूरी, विस्थापन क्या है दूरी, लेकिन सबसे छोटका दूरी। अरे सबसे छोटका दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कोनो आदमी यहां से स्टार्ट किया और सीढ़ी पे चढ़ गया खटाखट, और फिर यहाँ से जो चला नहीं, सब के सब क्या कहलाएगा दूरी, क्या कहलाएगा दूरी, और सबसे छोटका दूरी क्या कहलाएगा विस्थापन। ये क्या है विस्थापन। अगर मान लीजिए ये तीन है, ये चार है, ये तीन है, ये चार है, ये तीन है, ये चार है, तो तीन चार तो कर्ण पाँच, तीन चार तो कर्ण पाँच, तीन चार तो कर्ण पाँच, तो एक देखिए चार तीन सात, चार तीन सात, चार तीन सात, तो सात चौदह सातरी इक्कीस, अब विस्थापन आ गया पाँच पाँच दस पाँच तिहाई पंद्रह, तो विस्थापन छोट है कि नहीं। तब विस्थापन हमेशा छोट होगा किकरा से, दूरी से। विस्थापन और दूरी बराबर भी हो सकता है जब सीधी रेखा पर रहेगा, तब तब बराबर भी हो सकता है। मतलब दूरी बड़ा होगा किससे, विस्थापन से। दूरी बराबर होगा किकरा, विस्थापन के, लेकिन कभी दूरी छोटा नहीं हो सकता है किकरा से, विस्थापन। विस्थापन शून्य भी हो सकता है और विस्थापन नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव तब होता है जब हम बल लगाते हैं आगे की तरफ और विस्थापन हो जाता है पीछे की तरफ। नेगेटिव तब होगा जब बल लगाएंगे आगे की तरफ और विस्थापन हो जाएगा पीछे की तरफ। जैसे कभी स्प्रिंग को देखे होइएगा, तो हम लोग स्प्रिंग पर बल लगाते हैं आगे और विस्थापन हो जाता है पीछे। आज तक ले ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हम लोग बल लगाएंगे आगे और विस्थापन पीछे हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग है कि नहीं है। अरे हम बल लगाते हैं आगे की तरफ रबड़ में, वह आ जाता है पीछे की तरफ। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं आगे, वो आ जाता है पीछे, बल लगाते हैं आगे, वो आ जाता है पीछे, तो हम लोग कहते हैं विस्थापन क्या हो गया नेगेटिव, विस्थापन क्या हो गया नेगेटिव। मतलब विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन बराबर भी हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई जो दूरी है ना, यह दूरी का वो शून्य नहीं हो सकता है, दूरी बराबर हो सकता है, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है और दूरी पॉजिटिव हो सकता है। क्या अच्छा इधर देखिए, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और 90 के सामने वाला, एकदम गौर सुनिएगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो आप फिर जानते हो ये कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब चार का स्क्वायर 16, आधार मतलब तीन का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 हम यहाँ से लिख दी। ऐसे आप अगर मैथ पढ़े होइएगा तो पढ़े होइएगा ट्रिपलेट नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिक संख्या, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 7, 5, 7, 12, 13, उसके बाद 20, 21, 29, क्या 9, 40, 41, ये सब क्या होता है ट्रिपलेट नंबर होता है। पढ़े होइएगा क्या 11, हाँ होता है, धमका बजे कर बताएगा मैथ वाला, हम फिर मैथ वाला ऐसे। तो 3, 4, 5 से क्या बन गया ट्रिपलेट नंबर बन गया, क्या 3, 4, 5 क्या होता है ट्रिपलेट नंबर होता है। अरे बेसिक नंबर है, इसको दुगुना करो 6, 8, 10, 3 गुना करो 9, 12, 15, 4 गुना करो 4, 4, 4, 12, 4, 5, 20, 5 गुना करो 5, 15, 5, 20, 50, 25, तो ट्रिपलेट बनते रहता है, ट्रिपलेट बनते रहता है, ये सब बेसिक नंबर है। आप गौर सुनेगा, ये समझ में आया, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, अति लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से।
एकरा मतलब हम लोग कह दिए कि दूरी जीरो नहीं हो सकता, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है, विस्थापन और दूरी आपस में बराबर हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी होता है, विस्थापन पॉजिटिव होता है, मतलब विस्थापन सब चीज होता है, लेकिन जो दूरी है ना वह जीरो और नेगेटिव नहीं होता है, जो दूरी है से जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम चल गए यहाँ से जानकी स्थान और कह दिया कि ना हम यहाँ से जानकी स्थान गए हैं और दूरी चले अति दूरी चले 0 किलोमीटर, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अगर हम यहाँ से जानकी स्थान गए हैं और फिर जानकी स्थान से यहाँ पहुँच गए तो हम कह सकते विस्थापन चले जीरो, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी विस्थापन कहलाता है। हमने यहाँ से चला था फिर यहीं पर पहुँच गया। अगर कोई आदमी सीढ़ी पर चढ़ के फिर सीढ़ी पर से उतर जाता है उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? लेकिन दूरी जीरो नहीं होगा। अगर सीढ़ी की लंबाई 100 मीटर है तो 100 और 100 200 मीटर, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? अगर पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है तो उसका भी विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। समझे कि ना? अगर मान लीजिए कि यह पूरा के पूरा गोल है, एकदम गौर से सुनिएगा, यह पूरा के पूरा गोल है, यदि इसका परिधि 144 है, यदि इसका परिधि 144 है, तो बताइए अढ़ाई चक्कर में कितना दूरी चलेगा और अढ़ाई चक्कर में कितना विस्थापन चलेगा? इसका परिधि यदि 144 है तो अढ़ाई चक्कर में कितना दूरी चलेगा और अढ़ाई चक्कर में कितना विस्थापन चलेगा? तो मेरे भाई फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे चलेगा। से हमने क्या कहा कि दूरी का मतलब क्या होता है? अढ़ाई चक्कर चलवाना है, मतलब क्या? एक बारी मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया तो घूमते 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 एक बार फिर यहीं पे पहुंच जाएगा क्या? फिर दोबारा स्टार्ट करेगा, फिर घूमते घूमते जिलेबी पड़ते पड़ते फिर यहीं पहुंच जाएगा, और तीसरका बारी स्टार्ट अढ़ाई चक्कर ना है, आधा पे जाके क्या करेगा? रुक जाएगा। तो ये जितना भी चलेगा ना ये सब के सब क्या कहलाएगा? परिधि। परिधि है दूरी है, और जितना भी वास्तविक लंबाई होगा, जितना भी वास्तविक लंबाई होगा, जितना भी वास्तविक लंबाई होगा उस सब के सब दूरी कहलाता है। तो अगर आप वृत्त के चारों तरफ चलते हैं तो आप वृत्त के परिधि के बराबर चलते हैं। अगर 144 से 154 कर देते कट जाएगा। अगर जितना भी आप चारों तरफ चलते हैं तो आप वृत्त के परिधि के बराबर चलते हैं, और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr बराबर कितना दिया? 154। तो 2 × π का मान 22/7 गुना में r बराबर 154। देखिए गौर से, 22 × 44 पहले 22 से काट देते हैं, 22 से कटेगा 7 मरते क्या? 22 से कट जाएगा मरते 7 मरते 7 × 7 = 49/2 तो त्रिज्या कितना हो गया? 49/2 हो जाएगा ना? हो, अरे 22 से काटिए ना, 7 × 14 = 15 सात मरते कट गया तो हो गया कहाँ? 7 ऊपर अब 2 नीचे तो 49/2 तो ब्यास कितना होगा? हो 49/2 × 2 क्योंकि ब्यास त्रिज्या के दुगुना होता है, आधा होता है, अरे ब्यास दुगुना होता है, त्रिज्या आधा होता है, त्रिज्या ब्यास के आधा और ब्यास त्रिज्या के दुगुना, तो दुगुना कर देते हैं तो ब्यास कितना हो गया? 49। ब्यास कितना हो गया? आप गौर से सुनिए, अगर यह पूरा के पूरा एक चक्कर मारा तो परिधि उसका 154 है तो 154 मीटर या सेंटीमीटर गया होगा। दूसरका चक्कर मारा, अरे दूसरका चक्कर मारा मेरे भाई, तो अगर दूसरका चक्कर मारा तो फिर से परिधि के बराबर। तीसरका चक्कर में कहाँ रुक गया? आधा पर। अरे तीसरका चक्कर में कहाँ रुक गया? आधा पर। तो पूरा परिधि 154 है तो आधा 77 हो जाएगा क्या? तो 4 × 4 = 8 + 7 = 15 = 5 5 × 5 = 10 + 7 = 18 = 8 1 × 1 = 3 मतलब टोटल दूरी कितना चला? 385। टोटल दूरी कितना चला? 385। लेकिन बच गया क्या? विस्थापन। क्या बच गया? अब लड़का सबके दिमाग एक पर एक, अब दोनों दिमाग हमारा पास, हम समझा देते हैं। पहला दिमाग क्या लगाएगा? सर जी सुनिए, हमरे हम समझा रहे तो थोड़ा सा गौर सुनिएगा। इन्हें कहा सर जी अहाँ नज नहीं छी, अरे पहला बारी में ऐसे गले घूम के तो जीरो हो गए, ठीक बात है,
विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। तो ठीक है, पहला बेरी में यहां से घूम के यहां गया, यहां तक ले, अरे यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, फिर यहीं पे पहुंच गया, विस्थापन क्या हो गया? तब पहला बार में विस्थापन जीरो, फिर दूसरका राउंड मारेगा, विस्थापन जीरो। तो लगा कहा सर जी तीसरका राउंड में आधे पन रुक जाता यहाँ तक ले, आ ई कितना वाला है 77, अरे ई कितना मास्टर 77, तो कहेगा मास्टर 77, आ 77 जीरो जीरो बराबर हो गया 77, और विस्थापन कितना ला दिया 77। लेकिन वो बात बताइए तो क्या सबसे छोटका दूरी ये होगा? अरे सबसे छोटका दूरी तो ये ना होगा मेरे भाई, अरे सबसे छोटका दूरी तो ये ना होगा, अरे सबसे छोटका दूरी तो ये होगा, सबसे छोटका दूरी ये कैसे हो जाएगा? आप खुद सोच के देखिए, अगर ये वृत्त का सेंटर है तो केंद्र से गुजरने वाला जो अतिरेखा होता है उसको व्यास कहते हैं, अगर केंद्र से होकर गुजर गया तो उसको व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। फिर से गौर सुनिएगा, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है। मेरे भाई एक बार और थोड़ा सा गौर सुनिएगा कि मान लीजिए यह वृत्त है तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है। तब वृत्त में कितना त्रिज्या घिस सकते हैं? अनंत। वृत्त में कितना त्रिज्या घिस सकते हैं? अनंत। क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए, त्रिज्या बनते रहेगा क्या? लेकिन अगर हम इसी पे आपको समझा दें मेरे भाई कि केंद्र से परिधि की केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है, लेकिन यह त्रिज्या को आई कहते भी बढ़ा दीजिए तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। तो गौर सुनिएगा, अगर कोई रेखा वृत्त को छेद देता है, अगर कोई रेखा वृत्त को छेद देता है तो एकरा हम लोग कहते हैं छेदक रेखा, अगर कोई रेखा वृत्त को आर पार कर देता है तो एकरा हम लोग कहते हैं छेदक रेखा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड लाइन। अगर कोई रेखा छेद दिया तो एकरा हम लोग कहते हैं छेदक रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड लाइन। लेकिन अगर कोई रेखा छू के भाग गया, सॉरी इसको काटेगा नहीं, अगर इसको छू के भाग गया तो एकरा हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट लाइन। अगर कोई रेखा छू के भाग गया तो एकरा कहते हैं स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट लाइन, और छेद के भाग गया तो सेकेंड लाइन। लेकिन ना छेदा ना छुआ मेरे भाई, डायरेक्ट बीचे बीचे रह गया, तो एकरा हम लोग कहते हैं कॉर्ड, इसको कहते हैं हिंदी में जीवा, इसको क्या कहते हैं? जीवा। मतलब इसको केंद्र से होकर नहीं गुजरना है, मतलब सबतर से गुजार दीजिए, जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरना है, यहां से गुजारिए, यहां से गुजारिए, यहां से अगर आर पार हो गया तो छेदक रेखा हो गया, छू के भाग गया स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन बीचबे में रह गया कॉर्ड यानी जीवा हो गया। अब वही जीवा अगर सेंटर से होकर गुजर गया तो उस जीवा को जीवा नहीं व्यास कहते, मतलब वृत्त के जो सबसे लंबा जीवा होता है ओकरे व्यास कहते हैं, वृत्त के सबसे लंबी जीवा को ही व्यास कहा जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, या अगर हम इसको छू के भेज देते टेंजेंट लाइन, छेद देते सेकेंड लाइन, बीचे में रह जाता कॉर्ड जीवा, लेकिन न छुआ न कुछ हुआ, बीचे में ठहर गया, लेकिन बीचे में रुक गया कहाँ? सेंटर से होकर। तो सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है? व्यास। और इसका व्यास हमने कितना निकाला है? 49। एकरा मतलब यहाँ पर 77 नहीं 49। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए दूरी कितना चला 385, अति विस्थापन कितना चला, तो 49। क्या समझे कि ना समझे? इधर उधर समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? यहां भी समझाए और वहां भी समझाए, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर वृत्त से छू के चल जाता है तो स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं, अगर वृत्त को छेद देता है तो छेदक रेखा सेकेंड लाइन कहते हैं, अगर बिचवा में रह गया तो कॉर्ड कहते हैं यानी जीवा कहते हैं, और वही जीवा अगर सेंटर से होकर गुजर गया तो जीवा को जीवा नहीं डायमीटर कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। अब वही आधे पर से है, सेंटर के आधे पर से है, आधे पर से है, तो केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं।
तो मेरे भाई ये त्रिज्या हुआ कि ना हुआ, इहो त्रिज्या हुआ कि ना हुआ, एकरा मतलब ये पूरा के पूरा व्यास होता है, तो दूगो त्रिज्या मिलेगा तब ना एगो व्यास बनेगा, मतलब व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है और त्रिज्या पूरा व्यास के आधा होता है, क्या मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर निकाला त्रिज्या कितना 49/2, तो व्यास कितना होगा तो 49/2 गुना 2, किस लिए 2 किए, क्योंकि 2 गो त्रिज्या मिलेगा ना तब जाके एगो व्यास का निर्माण होता है, तो इसका विस्थापन कितना निकलेगा 49, समझे कि ना समझे। तो दूरी निकालना बड़ा आसान है, परिधि जितना चला ऐसे न्यूमेरिकल में हम आपको सिखाएंगे, जस्ट आगे इसका न्यूमेरिकल में सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी और थोड़ा मोड़ा भी समझ में आ गया तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन किसको कहते हैं। तो दूरी कौन सा राशि होगा, सदिश, और विस्थापन कौन सा राशि होगा, क्या दूरी कभी नेगेटिव होगा, दूरी कभी शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य कब होगा, जहाँ से चलेगा फिर वहीं पहुँच गया, विस्थापन क्या हो गया 0, विस्थापन क्या हो गया 0, जहाँ से चलेगा फिर वहीं पहुँच जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा 0, लेकिन दूरी कभी 0 नहीं होता है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो दूरी 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन बराबर होगा कब, जब सीधी रेखा पर रहेगा तब। अब इसमें भी टेंशन है, रेखा होता है एगो रेखा खंड होता है, तो एकरा रेखा कहते हैं, हमने कहा कि सीधी रेखा पर तो एकरा रेखा कहते हैं, और जब अही में से काट लेते हैं खंड तो एकरा रेखा खंड कहते हैं। तो आप पढ़ोगे कि जिसमें लंबाई हो चौड़ाई और मोटाई ना हो ओकरा लाइन कहते हैं, ओकरा रेखा कहते हैं, तो ओकरा हिसाब से तो इहो रेखा हो गया और इहो रेखा हो गया, नहीं ई तो लाइन है ये है, इसको तो रेखा कहबे करते हैं, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, और इसको हिंदी में रेखा खंड कहते हैं। इसी में अगर ए गो रहता ना तो इसको रे कहते रे, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं किरण, मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु पता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और अंतिम बिंदु का पता नहीं है, जिसका दोनों बिंदु पता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पता है रेखाखंड, और दोनों पता नहीं है लाइन, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पता नहीं है रेखा, दोनों पता है कि यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे ख़त्म किया रेखाखंड, जिसका एक ही पता है कि यहाँ से स्टार्ट किया कहाँ जाएगा पता नहीं, सो कहते रे यानी कि किरण कहते हैं। तो देखिएगा ऐसा लिखा रहेगा, मतलब ए बी रेखा खंड है, ए बी किरण है, और फिर ऐसे लिखा रहेगा तो ए बी क्या है रेखा है, तो एकरा मतलब ए बी रेखा खंड है, एकरा मतलब ए बी किरण है, और एकरा मतलब ए बी कोई तकलीफ। तो अब आगे बढ़े तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। एक बात बताइएगा, जितना भी वास्तविक लंबाई होगा, फिर से जितना भी लंबाई चलेगा इस सब के सब क्या कहलाएगा दूरी, लेकिन अय पर जितना के स्पीड चलेगा ना, माने 10 के स्पीड, 20 के स्पीड, 30 के स्पीड, तो कब देख रहे ऊपर जाएगा नीचे एने ओने एने, तो क्या वास्तविक अति वास्तविक दिशा पता चला नहीं। तो इससे यह मालूम चल रहा हम लोगों को कि जितना भी लंबाई है से तो दूरी कहलाएगा, आय पर जितना के स्पीड होगा से चाल कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे विस्थापन, क्योंकि सीधा सीधा है इसको विस्थापन कहेंगे, और आई पर जितना के स्पीड होगा ओकरा कहेंगे वेग, मतलब चाल और वेग में इतना अंतर है कि लहरिया कट मार के चल गया तो चाल हो गया, और डायरेक्ट सीधा सीधा गया तो वेग हो गया। तो चाल और वेग में अंतर क्या है, तो चाल में दिशा तो है लेकिन निश्चित दिशा, लेकिन वेग में निश्चित दिशा होता है, तो चाल में जब निश्चित दिशा नहीं होता है तो चाल हो गया कौन सा राशि अदिश राशि, वेग में निश्चित दिशा होता है तो वेग कौन सा राशि हो गया सदिश राशि,
क्या मेरे भाई? चाल में निश्चित दिशा नहीं होता है, क्योंकि जितना भी वास्तविक लंबाई है यह सबके सब दूरी कहलाएगा, और आई पर जितना के स्पीड चलेगा से चाल कहलाएगा, और आई पर जितना के स्पीड चलेगा सो वेग कहलाएगा। तो चाल में दिशा तो है, चाल में दिशा तो है लेकिन निश्चित दिशा नहीं है, और इस पर चलेगा तो वेग कहलाएगा, क्योंकि वेग में निश्चित दिशा होता है। तो हम कह सकते हैं कि चाल क्या हो गया अदिश, और वेग क्या हो गया सदिश। काहे लागी हो गया? तो वेग में निश्चित दिशा होता है, चाल में निश्चित दिशा। तो दूरी कौन सा राशि, विस्थापन कौन सा राशि? तो अगर अगर आप अब से कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ चाल वेग विस्थापन दूरी में कौन सदिश है कौन अदिश है, तो ना बता दीजिएगा। अभी हम और समझाएंगे कार्य ऊर्जा शक्ति बहुत रंग के समझाएंगे त्वरण के बारे में, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कतक लेकर सब पौर उड़ लेता अगल बगल से, जैसे कि ना आप लोग हमारा समझा दिए तो दे ना कि ब वाला बात क्या, तो कहते पौर उड़ लेगा ना, तो व और ब होता है ना, ये हम नहीं कहते, नाम नहीं लेना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। फलनामा भैया कह रहे थे कि जिसमें व और ब होता है, फलना भैया मतलब तू सब समझ गया, तू से नाम खरीद लिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। फलना भैया कह रहे थे जिसे व और ब होता है, बहुत स्टार टीचर नहीं है, जैसे बॉल में ब हो गया तो कहा दू बॉल हो गया सदिश, विस्थापन में व हो गया तो हो गया सदिश। बड़ा अच्छा लगता है क्या, त्वरण में व हो गया तो त्वरण का हो गया सदिश। बताइए तो एक पर एक दिमाग लाल सब है, कहते वेग में व हो गया तो व हो गया सदिश, और जेकरा में व और बल नहीं है वो हो जाएगा अदिश। रे भाई तोरा पहले ये ना समझ कि चाल है तो है क्या, वेग है तो है क्या। ठीक है व और ब वाला बात अच्छा है कि समझ में आ जाता है, कम से कम ई तो समझ में आया कि चाल क्या है, ई तो समझ में आया कि वेग क्या है, ई तो समझ में आया कि दूरी क्या है। अब क्या दूरी समझ में नहीं आ गया? जितना भी वास्तविक लंबाई होगा सबके सब क्या कहलाएगा, दूरी। अब वास्तविक लंबाई होगा से दूरी, और जो सबसे छोटका दूरी होगा से विस्थापन। दूरी क्या शून्य हो सकता है? नहीं। क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? हो सकता है। जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, विस्थापन हो गया जीरो। दूरी कभी निगेटिव होता है? लेकिन विस्थापन नेगेटिव मतलब बल लगेगा आगे, विस्थापन हो जाएगा पीछे, उसे नेगेटिव हो जाता है। दूरी और विस्थापन आपस में बराबर भी होता है, कब? जब सीधी रेखा पर रहेगा तब। और हमने रेखा बोला है तो हमने रेखा का फिगर बनाया, और हमने पूरा अंतर समझा दिया कि इसको रेखा खंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसको रे कहते हैं यानी किरण कहते हैं। उसके बाद हमने अब यह कहना चाह रहे मेरे भाई कि चाल और वेग में अंतर क्या है। तो जो लहरिया कट मारता है से चाल है, और डायरेक्ट सीधे सीधे जाएगा से वेग। मतलब चाल में निश्चित दिशा नहीं है और वेग में निश्चित दिशा। एक बात बताता ए भाई, एक बात बता, दूरी शून्य होता है ना? नहीं। दूरी शून्य होता है? नहीं। अगर दूरी शून्य नहीं होता है एक मतलब ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा। मान लीजिए समय, मान लीजिए ऊपर मान लेते एम है, और नीचे समय का मान लीजिए टी है, कुछ भी है, तो क्या चाल शून्य हो सकता है? लेकिन आप गौर से सोचिए कि विस्थापन शून्य और समय क्या होता है, और जीरो बटा टी मतलब मतलब चाल और वेग में क्या अंतर है कि चाल कभी शून्य नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? क्योंकि दूरी शून्य नहीं होता। विस्थापन अति वेग शून्य हो सकता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई गाड़ी यहाँ से डायरेक्ट सीधा लेके जाएगा वहाँ जानकी स्थान, और फिर जानकी स्थान से डायरेक्ट सीधा लेके आ गया, तो हम कहेंगे तुम्हारा विस्थापन भी जीरो है और तुम्हारा वेग भी जीरो। लेकिन कोई लहरिया कट मार के गया तो उसमें दूरी भी होगा और चाल भी होगा। मतलब चाल इसलिए शून्य नहीं होता है क्योंकि दूरी शून्य नहीं होता, और वेग इसलिए शून्य हो सकता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है, विस्थापन शून्य। अब मान लीजिए हमने वृत्त वाला क्वेश्चन लिखा क्या, आ इसमें मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम कहेंगे बताइए दो चक्कर मारा है तो इसका विस्थापन कितना होगा? जीरो। तो दो चक्कर जितना के स्पीड से मारा है, अगर विस्थापन जीरो हो गया तो वेग अपने आप जीरो नहीं हो जाएगा?
तो अंतर यही समझना पड़ता है। अगर हम खाली कह देते बुआ रे कि दूरी जो होता है ना वह अदिश राशि है और जो विस्थापन है से सदिश राशि है, जो चाल है से अदिश राशि है, जो वेग है से सदिश राशि है, तो खाली आप इतने समझ के रह जाते। लेकिन हमने जब अंतर समझा दिया तो अगर कोई आपसे सपना में ही पूछे कि दूरी शून्य होता है तो नहीं होता, इसलिए चाल भी शून्य नहीं होगा। विस्थापन शून्य होता है, होता है, इसलिए वेग भी शून्य होगा। क्या विस्थापन नेगेटिव होता है? एकरा मतलब वेग भी नेगेटिव होगा। क्या दूरी नेगेटिव होता है? एकरा मतलब चाल नेगेटिव। क्या दूरी विस्थापन आपस से बराबर होता है? एकरा मतलब चाल और वेग भी आपस से बराबर। अगर ये दोनों आपस से बराबर होता है सीधी रेखा पर, तो वह दोनों आपस से बराबर होगा सीधी रेखा पर। उसके बाद हमने ये समझाया, इतना बात समझ में आया। उसके बाद आपको एक बात और समझना है, ये बोला कौन है, खींच कर रखो तो बाहर एक मिनट, एक नंबर के छोटा सब है। दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। तो विस्थापन भी क्या है? दूरी है। तो इसका भी एसआई मात्रक, लेकिन यहाँ पर देखिए तो चाल का, दूरी का एसआई मात्रक बट्टा समय का एसआई मात्रक, मतलब चाल का एसआई मात्रक निकल गया मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक निकल गया मीटर प्रति। अब याद करो बीमा वाला, बीमा में एम होता है, एल होता है, टी होता है। एम दर्शाता है द्रव्यमान, एल दर्शाता है लंबाई, टी दर्शाता है समय। क्या इसमें द्रव्यमान है? नहीं। द्रव्यमान होता तो केजी होता, लंबाई के लिए टी अति मीटर होता, और समय के लिए टाइम होता। क्या क्या इसमें द्रव्यमान है? केजी नहीं है, तो हम कह देंगे एम जीरो। क्या मीटर है? है, मीटर है ना, तो मीटर के लिए एल। बट्टा में समय जाएगा, बट्टा में समय, समय के क्या होता है? टी। समय के क्या होता है? टी। आ एकरा ऊपर में भेजेंगे तो सिखाए थे मेरे भाई कि माइनस में एक है तो एक, दो है तो दो। अब मास्टर तो एम के पावर जीरो काहे लिखा? तो मेरे भाई किसी के पावर जीरो के मान कितना होता है? एक। किसी के पावर जीरो के मान कितना होता है? अगर हम आपसे कहें चार के पावर जीरो गुना पाँच के पावर जीरो बराबर क्या होगा, तो कहेगा एक गुना एक बराबर एक होगा, क्योंकि किसी के पावर जीरो के मान कितना होता है? एक। तो एक गुना एक बराबर एक। तो इसको मिटा दे कि किसी के पावर जीरो के मान कितना होगा? एक। तो जो चाल का ऐसा मात्रक होगा वही वेग का होगा कि ना होगा, क्योंकि विस्थापन भी तो दूरी है, और दूरी का ऐसा मात्रक मीटर, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड। क्या इसमें कहीं पे केजी दिखाई दे रहा? तो एम क्या हो जाएगा? जीरो। मीटर मतलब क्या? एल। और समय मतलब क्या? टी। एगो है तो पावर में माइनस वन, बट्टा में से ऊपर ले आते हैं माइनस में, और माइनस से लाते हैं बट्टा में। अगर कहीं पे लिखा है चार के पावर माइनस दो, एकरा मतलब माइनस का मतलब एक बट्टा, माइनस का मतलब एक बट्टा, और चार के पावर दो है तो चार के पावर, और एकरा फिर से लिखना है बट्टा हटा के, तो चार के पावर दो कर दीजिए और एक बट्टा है तो मतलब माइनस। मतलब कह सकते हैं माइनस का मतलब, माइनस का मतलब एक बट्टा, माइनस का मतलब एक बट्टा, मतलब चार के पावर माइनस दो है तो माइनस का मतलब एक बट्टा चार के पावर दो। आ कहूँ ऐसा लिखा है तो चार के पावर दो लिख दीजिए और एक बट्टा है तो क्या लगा दीजिए? माइनस। तो ये बट्टा में सेकेंड है कि ना है, तो एक जब क्या लिखते टी, तो टी को ले गए ऊपर में, तो ऊपर में ले गए तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या मेरे भाई, अगर यहाँ पर दो रहता तो पावर दो लिखते। ये समझ में आया कि ना आया? तो हमारा हिसाब से लगता है कि चाल का आपको मात्रक भी समझ में आ गया मीटर प्रति सेकेंड होता है, वेग का भी मात्रक समझ में आ गया मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाल का बीमा एम जीरो एल टी के पावर माइनस वन होता है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो मीटर प्रति सेकेंड अपने से कर लेंगे और बीमा अपने से निकाल लेंगे। क्या आप समझ में आया कि ना आया? हम लोग तो सन बाउंस उस कर गया। तो दूरी में और विस्थापन में कौन सा दिश है? दूरी और विस्थापन में कौन सा दिश है? दूरी क्या है? क्योंकि दूरी में निश्चित दिशा, विस्थापन निश्चित दिशा,
तो चाल और बेग में कौन सा दिश होगा? चाल क्या होगा? क्योंकि चाल में निश्चित दिशा है, बेग में निश्चित दिशा। दूरी कभी शून्य होता है? तो क्या चाल शून्य होगा? विस्थापन शून्य होता है? तो बेग शून्य होगा? दूरी नेगेटिव होता है तो चाल नेगेटिव होगा? विस्थापन नेगेटिव होता है तो बेग नेगेटिव होगा? दूरी का ऐसा मात्रक, विस्थापन का भी ऐसा मात्रक। विस्थापन क्या है? दूरी सबसे छोटका, सबसे छोटका। तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति। अब बीमा कैसे निकल से समझे? अगर केजी रहता, द्रव्यमान रहता तो एम लिखते, द्रव्यमान नहीं था तो एम जीरो लिखे। जीरो का मतलब पावर, किसी के पावर जीरो मतलब मान एक, एक्स के पावर जीरो मतलब एक, 16 के पावर जीरो मतलब एक, केकरो पावर जीरो के मान क्या होता है? एक। और अभी इसका नोमिकल आया नहीं, अभी सदिश और अदिश से अजीब गरीब नोमिकल सब है, लेकिन हम सभी सिखाएंगे। अभी चार गो में अंतर तो समझ में आ गया होगा, दूरी में, विस्थापन में, दूरी में, विस्थापन में, चाल में।